भगवान को क्या भय है? कोई क्या आदमी ऐसा साहस कर सकता है? दूर तक 2-4 किलोमीटर हवा लगती थी तो मर जाते थे, वृक्ष तक मर जाते थे। फिर कोई बच्चा इतना सुकुमार और कूदे उस विष जल में, कैसे संभव सकता? कोई असुर भी, बड़ा दैत्य भी या कोई देवता भी उसमें नहीं कूद सकता था। कूदने का परिणाम होता तत्काल मर जाता, इतना भयावह हुआ हरत था। लेकिन भगवान उसमें कूदे, ऊपर से छलांग मारे, बीच में कूदे, विशोद उस विष से हरद में कूद गए। सर्प हृद पुरुष सार निपात वेग संचोभितो रग विषो छ्वसिताम्बुराशि पर्यप्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मि धावन धनु शतमनंत बल से किंत। सर्प हृद सर्प के उस दह में पुरुष सार, पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जब गिरे, निपात उसमें जब गिरे तो उनके गिरने के वेग से वहां जितने भी सर्प थे काली आदि वो संक्षोभित हो गए। बहुत जोर से गजराज की तरह भगवान गिरे। देखने में शरीर छोटा था लेकिन पूरे दह को हिला दिया उसने। पानी इतना उछला उनके गिरने से कि धनु शतम 400 धनु फैला। एक धनु से 4 हाथ का होता है, तो 4 हाथ का होता है धनुष, और 1 हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है आजकल के माप के अनुसार मनुष्य। तो इसका मतलब हुआ कि 400 हाथ लगभग 600 फीट हुआ ना, इतना उस हरद का पानी उछल गया चारों तरफ, पर्यप्लुत चारों तरफ बढ़ गया। इतना जोर से भगवान कूदे थे और अपना भार प्रकट करके कि हरद का पानी इतना फैल गया और बहुत जोर की आवाज हुई। उनके गिरने से, गिरने के वेग से सारे सर्प उसमें संक्षुभित हो गए, और संक्षुभित होकर के उसमें हजारों सर्प थे वे सब विष उगलने लगे नीचे ही। ये क्या हो गया? कौन गिरा? कोई पर्वत गिर गया, मैना गिर गया, कि कोई हाथी गिर गया, क्या हुआ? और विष उगलने लगे तुरंत, क्योंकि उनके पास यही साधन है किसी को परास्त करने का। विष उगलने लगे, क्रोध में सब विष उगल रहे, अभी देख नहीं रहे कौन है। विष उगलने लगे, और विष उगलने लगे तो इसलिए विश्वसिताम्बुराशि, और जल तो फैला ही था, और विष जल चारों तरफ, और बीच में जहां वो लोग उच्छ्वास छोड़ रहे थे, फुफकार रहे थे, विष निकल रहा था, तो उससे गर्म होकर के पानी और ऊंचा उठ रहा था बीच में। जैसे किसी बर्तन में जब आंच देते हैं तो बीच में ऊंचा होता रहता है, तो ऐसे पानी बिल्कुल खौलने लगा। तो पहले से ही वैसा था, लेकिन उस समय स्पेशल जब फुफकार मारने लगे सब सर्प, तो पानी ऊपर हो गया श्वसिताम्बुराशि, और पानी 400 हाथ इधर उधर चारों तरफ फैला अनंत बल से किंत। तो महाराज परीक्षित मानो आश्चर्य की 400 फैल गया पानी उबिस। तो भगवान कहते अनंत बल से किंत, अनंत बल से किंत। अरे जिनमें अनंत बल है, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, उनके कूदने से हृदय का पानी 400 हाथ फैल गया, ये कौन बड़े आश्चर्य की बात? अथवा अनंत बल से किंत, जो अनंत के भी शेष नाग के भी बल हैं, उनके भी विष हैं, अथवा शेष नाग में जो विष है वो भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, तो फिर उनके लिए कौन, ये काली क्या है उनके सामने? जब भगवान शेष नाग का बल विष कृष्ण का दिया हुआ है, तो फिर काली उनके सामने क्या है? अब भगवान उसमें लगे विहार करने, ऐसा नहीं कि कूदे तो तुरंत विष का प्रभाव हो जाए और भागे निकल करके, कूदे और विहार करने लगे। तस्य हृदय विहर तो भुज दंड घूर्ण वार घो समांग बरवार रवि क्रमश
आश्रुत्य तत् स्वसदना विभवं निरीक्ष्य चक्षु श्रवा समसर तदमृष्यमाण। सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े श्लोकों में गा करके कह रहे हैं, तस्य हृदय विहारत, जब भगवान श्री कृष्ण जल में विहार करने लगे, उस विषमय हृदय में भगवान विहार कर रहे हैं। विहार मतलब आनंद से उसमें डुबकी मारना, तैरना और कछुआ जैसा उछलना, ये सब करने लगे। और विहार में मुख्य विहार था उस जल को, विष को हटाना बाह से। उसमें पैर पीट रहे थे भगवान, हाथ से चल रहे थे, डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे, तो इस तरह से जल विहार कर रहे हैं, उस महाविष हृदय के भीतर विहार कर रहे हैं। तो उनके भुजदंड से, उनके बाहों से जब पानी ठेला जा रहा था और कभी कभी थपथपाते थे, मारते थे, तो उससे घुलना आ रही थी पानी में, पानी में भंवर बन रही थी घुलना, और उसकी बहुत आवाज हो रही थी चलने से, वारी घोषम, जल की आवाज हो रही थी। हे प्रिय परीक्षित, ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रेष्ठ हाथी उस जल में विहार कर रहा है। कालिये ने सुना इस आवाज को, आश्रित तत्व भवना विभवम निरीक्ष, उसने पहले आवाज सुना किसी गिरने की और जल संचालित करने की, तैरने की, तो तुरंत ही सुन करके विचार करने लगे कि कौन है हमारे घर में आया। स्वभवन अभिभवम, अपने भवन का वो पराजय समझ रहा था, हमारे घर में कौन आया, इस तरह से तूफान जोत रहा है, इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। वो सोचने लगा आज तो कोई उसके अंदर आ ही नहीं सकता था, एक छत्र सम्राट था, विस्मय वातावरण था, इसलिए उसके विष के डर से कोई आ नहीं सकता था। कि कौन आ गया, उसने ऐसा माना कि हमारे घर में ये हमारा अपमान किया जा रहा है। देखिए उसकी मूर्खता, अरे तुम्हारे घर में कोई आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए ना अतिथि का, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया, मेरे घर में कौन आया। यही है सांप और कुत्ते का स्वभाव आश्रम, तो घर पर कुत्ता रहता है, भले कोई महात्मा आवे चाहे कोई आवे, लेकिन भो 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 भो, तुम इधर क्यों आए, तुम इधर क्यों आए, कुत्ता यही कहता है वास्तव में। और कुत्ते भी कुछ समझदार होते हैं, जानते हैं कि ऐसा भौंकूंगा तो मालिक हमको भोजन ठीक से देगा। हमारे यहाँ कहावत, आंधर कुकुर बतासे भौंके, अंधा कुत्ता हवा चलने के बाद भी भौंकता है, सोचता है कोई आ गया है। कालिये का कितना बड़ा भाग्य था कि भगवान उसके घर में आए हैं, वो अगर आया होता माला लेकर के स्वागत किया होता कितनी अच्छी बात होती, लेकिन नहीं किया वो भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के चरण का चिन्ह उसके मस्तक पर पड़ा बहुत, उसके लिए तो बहुत बड़ा भाग्य था। तो कहने कौन आया हमारे घर में, कौन आया, अपने घर का पराभव समझने लगा और आया तुरंत चक्षु श्रवा। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं, वो आंख से ही सुनते हैं, उनको कान नहीं होता, तो आंख से वो देख भी रहा था बाद में और सुन रहा, सुन करके आया बाद में देखा, देखा तो एक मनुष्य आकर के और उसके घर में इतना भारी आवाज किया और तूफान जोता है, जल विहार कर रहा है, तो समझ गया कि ये हमको उद्विग्न कर रहा है। पर उतने सुंदर लड़के को देख करके भी उस दुष्ट के हृदय में दया नहीं आई। एक तो बेचारा पता नहीं कैसे जल में बीच में गिर गया है, उसको निकालना चाहिए था, बचाना चाहिए था, तो उल्टे और चिढ़ गया, देखने लगा। भगवान थोड़ा सा ऊपर थे जल में, जल विष के भीतर ही थे लेकिन ऊपर तैर रहे थे, और कालिये भीतर से चल रहा, तो कालिये देखा, इसे देख रहा ऊपर, और देखा कि निर्भय लड़का खेल रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदा, तुम यह मनुष्य है और बहुत सुंदर मनुष्य है, देख रहा है प्रेक्षणीय, अरे ये तो देखने ही लायक है। कालिये के मन में आ रहा है कितना सुंदर है, कितना सुंदर है सुकुमार घना वादा, तुम यह सांवले बादल के समान है, श्रीवत्स पीत वसुमन। और उसने बाद में ध्यान दिया, भगवान जब हृदय में कूदे थे तो उनका पीताम्बर पहले तो फहराया था, और फहरा करके पानी में फिर भींग गया, उस विष में भींग गया,
तो भींग करके अब वक्षस्थल को नहीं ढक रहा था, तो उसने देखा श्रीवत्स, ध्यान दिया श्रीवत्स रेखा जहां लक्ष्मी जी रहते हैं उसको देखा, नीचे से देख रहा है श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरा से, फिर मुख को देखा तो मुस्कुरा रहा था, हंसी से चुप्त मुख है, तो समझ लिया कि इस पर तो विष का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो अद्भुत लड़का है, कहां का है, कैसे मूर्खता किया, आज तो बचेगा नहीं। लेकिन वो देख रहा है कि कोई भी विष का प्रभाव नहीं, ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कान से युक्त आश्रम मुख कमल है, क्रीडंतम अप्रतिभयम, उसने ये भी देखा कि खेल कर रहा है, यहाँ पर खेल कर रहा है, पानी में डूबना, पानी थपथपाना, कुल्ला करना, जो भी करना खेल रहा है, अप्रतिभयम, इसको कोई भय नहीं है, ये भी भय नहीं कि इतने बड़े दह में कूदा है या क्या क्या कहां से आ गया, पहले तो ये विचार नहीं किया कि कैसे है, लेकिन आवाज से इतना तो समझ रहा था कि ये ऊपर से कूदा है, ऊपर से कूदा है, आवाज ऐसे हुई थी कूदने की। लेकिन क्रीडंतम अप्रतिभयम, खेल रहा है जल में विहार कर रहा है, इसको कोई भय नहीं है, और चरण को देखा, नीचे से आ रहा है तो चरण भी भगवान मार रहे थे जल में पानी को ठेलने में, तो चरण को देखा तो कमलोदरांगी, कमल का जो उदर होता है मध्य भाग बीचे, जितना कोमल कमल का अंत भाग होता है ऐसा सुकुमार इसका चरण कमल, लाल लाल तलवा, सांवला शरीर ऊपर से था लेकिन भगवान के चरण तल बहुत सुकुमार, कमल के समान, कमल के गर्भ के समान सुंदर थे सुकुमार। देखा चरण को भी ध्यान से देखा, लेकिन उसको दया नहीं आई, वो आया तुरंत उस भगवान के मर्म स्थान में डंस करके अपने भुजा से उनको पकड़ लिया, मर्मसु संदस्य, मर्म स्थान में जहां पर डसने के बाद आदमी निश्चित मर जाएगा, ऐसे जगह पर तुरंत डसा, मर्मसु शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, मानो लगता है कि ये भी पानी में डूब करके कालिए के आघात को देख रहे हैं, मर्मसु, मर्म स्थान कुछ होता है जहां पर आघात किया जाए तो व्यक्ति जल्दी मर जाता है, जैसे आंख मर्म स्थान है, कलेजा मर्म स्थान है, तो उन स्थानों पर तुरंत डसा है, ऐसे भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, कुछ भक्त तो कहते हैं कि वास्तव में उसने चूमा भगवान को, डसा नहीं लेकिन जो इसकी दशा है इसको तो माना नहीं जा सकता है, कोई चुंबन किया वो डसा, और भुजया चछाद, और अपनी भुजा में अपने देह में लपेट लिया, इस तरह से सर्प बंधन करता है, बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लेता है, तो बांध लिया, इस पर कोई भक्त कहते हैं कि वो आलिंगन किया भगवान का। अब जब कृष्ण को इस तरह सांप से लपेटा हुआ देखे गोप सखा जो अभी अभी जीवित किए गए थे और गौ में वे तट पर थे, और कृष्ण को तो कूदते हुए उन लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कूदने के बाद कालिए के द्वारा लपेटा हुआ मरे जैसा गोपों ने देखा कृष्ण को, और श्री कृष्ण को जब लपेट लिया काली नाग तो कृष्ण में कोई चेष्टा नहीं रही, न हाथ हिल रहा था न पलक गिर रहे थे, दूर से तो पलक दिखाई नहीं देती थी, तट से देख रहे थे, तो यही समझे कि सांप ने डस दिया और कृष्ण की मृत्यु हो गई, सब यही सोचने लगे।